हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.3 रिलेटेड टू द टॉपिक इंटीग्रेशन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. जब तक डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म नहीं बन जाएगी तब तक हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते. तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो हम डिनोमिनेटर के अंदर आसानी से सिंगल टर्म बना सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. 1 माइनस कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है आपके पास में 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स. इसको यूज़ करने पर, इस आइडेंटिटी को यूज़ करने पर 1 माइनस कॉस एक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंगल का हाफ हो जाएगा. यहाँ पे एंगल 2x था तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अंदर एंगल हाफ में कन्वर्ट हो रहा है, 2x के केस में x मिल रहा है. यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स गिवन था तो एंगल हाफ हो जाएगा x बाय 2. सिमिलरली 1 प्लस कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टर्म क्या हो गई, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2. टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्लास 10th की आइडेंटिटी यूज करनी होगी. वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, देयरफॉर टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1. और हमारे पास इन दोनों टर्म्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पे x बाय 2 गिवन है जो कि लीनियर टर्म है. और अगर लीनियर टर्म है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 का आंसर हो जाएगा टेन एक्स बाय 2. लीनियर टर्म में हमें x का कॉफिशियंट गिवन है 1 बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 होगा. मैं इस चीज़ को वापस रिपीट कर देता हूँ. हमारे पास में फॉर्मूला है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस c इंटीग्रेशन. अगर हमारे पास में x के प्लेस पे कोई भी लीनियर टर्म रहती है sec स्क्वायर x बाय 2, अगर हमारे पास में कोई भी लीनियर टर्म रहती है तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन किस टाइप से होगा, टेन एक्स बाय 2, और जो भी x का कॉफिशियंट है 1 बाय 2 वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा प्लस c. ये 1 बाय 2 ऊपर शिफ्ट होगा तो ये टर्म बन जाएगी 2 टेन एक्स बाय 2, 2 टेन एक्स बाय 2, यहाँ से ये यह होगा इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, we have to integrate cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha into dx. Denominator में हमें कैसे भी करके single term चाहिए, और अगर single term नहीं है तो हमें इसे cancel करना है या फिर इस complete term को t consider करना है. तो हम first method जो try कर रहे हैं कि अगर मैं इसे t consider कर लेता हूँ, cos x minus cos alpha को अगर t consider कर लिया जाता है तो ये question simplify नहीं हो पाएगा. उसका रीज़न, अगर हमने cos x माइनस cos अल्फ़ा को t कंसीडर किया तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास में अवेलेबल नहीं है. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, और ये sin x की टर्म हमारे पास में यहाँ अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब हमें इसे t कंसीडर नहीं करना, हम डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बनाने के लिए टी कंसिडर नहीं कर सकते, तो इस टर्म को कैंसिल करना होगा. इस टर्म को कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पर 2x नहीं x चाहिए, मीन्स हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है. यहाँ cos 2 अल्फा नहीं cos अल्फा चाहिए, मीन्स हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है. तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूले यूज़ करने होंगे, और हाफ एंगल फार्मूले कौन से होंगे, cos 2x के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एंगल हाफ में कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली कॉस 2 अल्फा के लिए हम यूज कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1.
अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो माइनस वन नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, टर्म रहेगी टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा, डिनोमिनेटर सेम, टू यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर शिफ्ट कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है टू को कॉमन लेने के बाद में, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इससे प्रॉफिट होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, और अब हमें केवल किसको इंटीग्रेट करना है, ओनली कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है, मीन्स ये टर्म बन रही है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स टू ऑलरेडी आपको गिवन था, कॉस अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है, रीजन हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, कॉस अल्फा को इंटीग्रेशन के बाद साइन के बाहर शिफ्ट कर देते हैं तो टर्म ओनली वन रह जाएगी अंदर, कॉस अल्फा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, कॉस अल्फा एज इट इज, तो पीछे टर्म क्या रहेगी वन इंटू डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स इज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, थैंक यू।